गणतंत्र के दिवस समारोह पर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित? देखिए 75वां गणतंत्र दिवस है देश के लिए, तो पहला गणतंत्र भी, लेकिन 75वां गणतंत्र जिसे हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाने का काम। हम तो बढ़ते जाते हैं एक मंजिल पर, पाओ हमारा एक मंजिल आगे भी। आज प्रयागराज की पुलिस लाइन, जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है, और यहाँ भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ, शानदार परेड हुई, यहाँ के जवानों ने अच्छा परिश्रम किया। अब बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ जिमनास्ट आदि भी आए हुए हैं, लेकिन मैं आज के दिन सभी प्रयाग और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। 2024 लोकतंत्र के महापर्व का वर्ष भी है, लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। प्रयाग वालों से भी, प्रदेश वालों से भी, इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देश गरीबी से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। देश की जो ज़रूरतें हैं वह धीरे धीरे लोगों की मांग के अनुरूप पूरा करने का काम किया जा रहा है।
हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। आज हमारा देश चाहे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाने का हो, चाहे आदित्य 11 हो, और अभी बीते हुए 22 जनवरी को जैसे भगवान श्री रामलला को उनके जन्म स्थान पर विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, फिर भक्तों का सैलाब, और अयोध्या धाम में ही यह भक्ति का स्वरूप देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि यह पूरे देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है कि पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है। और प्रयाग में भी बहुत अच्छा काम किया, मैंने लोगों का आह्वान किया है कि 2024 श्री राम वर्ष के रूप में रामलला के आने का है, तो 2025 प्रयागराज के कुंभ का वर्ष है। 2019 में यहाँ 24 करोड़ लोग आए थे, 2025 में मेरा पूरा विश्वास है कि 50 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। और जिस प्रकार से अयोध्या और काशी में भक्तों का सैलाब उमड़ा है, वह प्रयाग भी आएगा। रोजगार के क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं रोजगार के अवसर पैदा करेंगी, और यह धार्मिक पर्यटन भारत को एक नए मुकाम की ओर ले जाएगा। आज प्रयागराज भी ऐसा जिला हो गया है जहां रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग चारों रास्ते खुल गए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और विकास के लिए देश और प्रदेश की सरकार का खजाना खुला हुआ है। हमारी सरकार काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे प्रयागराज हो, प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वांगीण विकास कर रही है। अच्छा, जिस 90 दिन के सर्वे के बाद 800 पेज से ज़्यादा की है, उसमें तमाम जो साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं कि वहाँ पर हिंदू मंदिर था, अवशेष था, इसको लेकर किस तरह से उत्साह है? जैसे राम भक्तों का भरोसा था, वैसे शिव भक्तों का भी भरोसा है कि न्याय होगा, और न्यायालय जो निर्णय देगा उसका हम लोग इंतजार करेंगे। इस समय हर हर महादेव ही कह सकते हैं। धन्यवाद।